नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट और गहराने लगा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जिला इकाई के प्रमुखों से बातचीत में भावुक संदेश दिया और कहा कि कोई पेड़ के फूल फल और टहनी तो ले जा सकता है, लेकिन जड़ें नहीं तोड़ सकता। तो मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। डर है कि शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतर आ सकते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे कैंप नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि नई पार्टी का नाम शिवसेना बालासाहेब ठाकरे हो सकता है। इस बीच एकनाथ शिंदे के खिलाफ अब शिवसेना ने भी जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। पार्टी ने शिंदे के हिंदुत्व पर ही सवाल उठाए हैं। तो उधर उद्धव के गुट ने शुक्रवार तक 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की चिट्ठी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को भेजी है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जिला इकाई के प्रमुखों से बातचीत में भावुक संदेश दिया और कहा कि कोई पेड़ के फूल फल और टहनी तो ले जा सकता है, लेकिन जड़ें नहीं तोड़ सकता। शिवसैनिक हमारी आत्मा है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास खाली कर दिया है, लेकिन अपना इरादा नहीं छोड़ा है। हमारा दृढ़ संकल्प बरकरार है। बागी नेता एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका बेटा लोकसभा सांसद है, तो क्या मेरे बेटे आदित्य ठाकरे को राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ना चाहिए? मालूम हो कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण से लोकसभा सांसद है, जबकि मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे राज्य के कैबिनेट मंत्री है। पार्टी की जिला इकाई के प्रमुखों को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि मैंने एकनाथ शिंदे के लिए सब कुछ किया, उन्हें वह विभाग दिया जो मेरे पास था। उनका अपना बेटा आज सांसद है, लेकिन मेरे बेटे के बारे में टिप्पणियां की जा रही है। मेरे खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। मैं सत्ता का लालची नहीं हूँ। जो लोग कहते थे हम मर जाएंगे, लेकिन शिवसेना को कभी नहीं छोड़ेंगे, आज भाग गए। बागी शिवसेना को तोड़ना चाहते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें बालासाहेब और शिवसेना का नाम लिए बिना लोगों के बीच जाना चाहिए। आप किस तरह के शिवसैनिक है? क्या आप भाजपा की उपयोग करो और फेंक दो की नीति व मातोश्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने से आहत नहीं है? महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। दरअसल इस बात का डर है कि शिवसैनिक पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट अभी कुछ और दिन तक जारी रह सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर शिवसैनिकों को हिंसा फैलाने से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह केंद्र के लिए एक मौका हो सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की जा सकती है। ऐसे में मौजूदा सरकार के पास सत्ता बनाए रखने का मौका नहीं होगा। महाविकास आघाड़ी सरकार में बिजली मंत्री नितिन राउत का कहना है कि पुलिस को हाई अलर्ट पर रखने की वजह है, अगर शिवसेना को कुछ होता है तो मुंबई जल जाती है। जिस तरह से मुंबई में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है, मेरा मानना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार बहाने के तौर पर सैनिकों की हिंसा का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन न लगा सके। राउत का यह भी मानना है कि ठाकरे के खिलाफ इस तरह की बगावत को कोई भी सैनिक हल्के में नहीं ले सकता है और वे किसी भी रूप में अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। कल हमने एकनाथ शिंदे की मां को यह कहते हुए देखा कि उन्होंने गलत किया है और जिन लोगों ने बगावत की है उनके परिवार के कई सदस्य भी यही बात कह रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हुई ऐतिहासिक बगावत पर नेताओं की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया के आसार है। एक और जहां आज शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, वहीं एकनाथ शिंदे और दो निर्दलीय विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिरवाल पर उद्धव कैंप का पक्ष लेने के आरोप लगाए गए हैं और उन्हें हटाए जाने की मांग उठी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एकनाथ शिंदे कैंप नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि नई पार्टी का नाम शिवसेना बालासाहेब ठाकरे पार्टी का नाम हो सकता है। खास बात है कि बागी विधायक दीपक केसरकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। असम के गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में ठहरे बागी विधायक दीपक केसरकर आज वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाल ही में शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम पत्र लिखकर विधायकों के परिवारों की सुरक्षा वापसी पर चिंता जाहिर की थी। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक चैनल से बातचीत में फिर से बागी विधायकों को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि तलवारें और बंदूकें उठेंगी, हम नाम अर्ध है क्या? राउत का कहना है कि शिवसेना में आग है, आग ही रहना चाहिए, अभी तो शुरुआत हुई है। इस बीच खबर है कि एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक 58 वर्षीय तानाजी शिंदे के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है, उनके कारोबार को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।
बागी विधायक एकनाथ शिंदे के खिलाफ अब शिवसेना ने भी जुबानी हमले तेज कर दी है। अब पार्टी ने शिंदे के हिंदुत्व पर ही सवाल उठाए हैं। पार्टी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कल शिंदे पर पीठ में छुरा घोंपने के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी पर बगावत का ठीकरा फोड़ा है। चतुर्वेदी ने कहा कि कौन सा हिंदुत्व आपको अपनी ऐसी पार्टी के पीठ में छुरा घोंपना सिखाता है जो परिवार की तरह है। दूसरी तरफ शिंदे दावा कर रहे हैं कि शिवसेना अपनी हिंदुत्व विचारधारा से भटक गई है। इस पर चतुर्वेदी ने कहा कि बागी विधायक जो कर रहे हैं उसकी वजह विचारधारा नहीं है, यह उकसावे का प्रतिफल है। शिंदे को शिवसेना ने क्या नहीं दिया? अहम मंत्रालय शहरी विकास दिया गया जो आमतौर पर मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं, उनके बेटे सांसद है, अब क्या चाहिए? शिवसेना नेत्री ने कहा कि गुवाहाटी से बात करने के बजाय शिंदे को मुंबई आना चाहिए और हमारा सामना करना चाहिए। गठबंधन की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि गठबंधन पर फैसले को हमारे ऊपर जबरन लागू नहीं किया जा सकता। हमने उनसे आने और बात करने के लिए कहा था, अब काफ़ी देर हो गई है। उनके पत्र अब भाजपा तैयार कर रही है। साथ ही दावा किया कि पार्टी शिंदे के साथ मौजूद कुछ विधायकों के साथ संपर्क में है और वे भी पार्टी के संपर्क में बने हुए हैं। अब तक नरम रुख अपना रहे उद्धव ठाकरे ने अब बागी विधायकों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। उद्धव गुट ने शुक्रवार तक 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की चिट्ठी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को भेजी है। शिवसेना की लीगल टीम भी विधानसभा पहुंची। सरकार ने एजी को भी तलब कर लिया। सूत्रों की माने तो डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। बागियों को 26 जून शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा। इसके अलावा बागी विधायकों को विधानसभा में भी रहने के लिए कहा जाएगा। शिवसेना ने 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। इसके पहले महाराष्ट्र के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी को विधानसभा सचिवालय में कानूनी राय लेने के लिए बुलाया गया था। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि बागी विधायकों को वापस लौटने के दरवाजे बंद हो चुके हैं। 16 विधायकों पर कार्रवाई होगी, सभी कानूनी प्रक्रिया को आज पूरा कर लिया जाएगा। वहीं शिंदे गुट के 2 निर्दलीय विधायक महेश बल्दी और विनोद अग्रवाल ने डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को हटाने के लिए नोटिस दिया है। नरहरि पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिना सलाह लिए अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता चुन लिया। एक तरह से एकनाथ शिंदे और 2 निर्दलीय विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल के खिलाफ मोर्चाबंदी की ठान ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिरवाल पर उद्धव कैंप का पक्ष लेने के आरोप लगाए गए हैं और उन्हें हटाए जाने की मांग उठी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 18 साल से विषपान करते रहे। मोदी जी और भाजपा के खिलाफ करीब 2 दशक से दुष्प्रचार चल रहा है, तो खबर है कि पश्चिम बंगाल की सीपीएम इकाई यशवंत सिन्हा के नाम से असंतुष्ट नजर आ रही है। वहीं राजस्थान के भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि राजस्थान में भी महाराष्ट्र की तरह खेला होगा। भाजपा नेताओं के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी आलाकमान की नजरें राजस्थान पर है। तो उधर प्रेम जाल में फंसाकर 12 लड़कियों से शादी करने वाले शख्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच बिहार को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 2025 तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 520 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए उत्तर बिहार में सर्वे का काम शुरू हो गया है। देश भर के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 18 साल से विषपान करते रहे, यह कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। शाह ने कहा कि मैंने मोदी जी को नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी कहते रहे हम कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। 2002 गुजरात दंगों में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शाह ने कहा कि मोदी जी और भाजपा के खिलाफ करीब 2 दशक से दुष्प्रचार चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया है कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। जिन लोगों ने मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्हें मोदी जी और बीजेपी नेता से माफ़ी मांगनी चाहिए। 18 से 19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतार कर सहन कर लड़ता रहा, और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह चमकता हुआ आ रहा है तो अब आनंद आ रहा है। शाह ने दंगा रोकने में नाकामी से जुड़े सवाल पर कहा कि भाजपा विरोधी राजनीतिक पार्टियां कुछ विचारधारा के लिए राजनीति में आए पत्रकार और एनजीओ ने मिलकर आरोपों को इतना प्रचार किया और इसका इकोसिस्टम इतना मजबूत था कि लोग इनको ही सत्य मानने लगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देश पर काम करती थी, सब जानते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ ये सब कर रही थी।
लंबी बैठकों और तीन बड़े नेताओं के इनकार के बाद विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मोहर लग सकी थी। हालांकि अब खबर है कि पश्चिम बंगाल की सीपीएम इकाई यशवंत सिन्हा के नाम से असंतुष्ट नजर आ रही है। पार्टी का कहना है कि इस पद के लिए उम्मीदवार और बेहतर हो सकता था। इधर सिन्हा के मुकाबले में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई है। सीपीएम की तरफ से फेसबुक पर एक संयुक्त बयान जारी किया गया था जिसमें सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन किया गया था। इसके चलते पार्टी के अंदर ही विवाद खड़ा हो गया था। बंगाल में सीपीएम के राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने सिन्हा के पूर्व में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से मौजूदा संबंधों को देखते हुए उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठाए और कहा कि पार्टी को यह सहन करना होगा। वहीं सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि विपक्ष का उम्मीदवार बनाए जाने से पहले वामदलों ने सिन्हा को सभी पार्टी पदों से इस्तीफा देने पर मजबूर किया था, साथ ही इसे वामदलों की नैतिक जीत भी बताया था। इस बीच आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक होने जा रही है जिसमें यह तय किया जाएगा कि पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में किसे समर्थन देगी। हालांकि 15 जून को हुई विपक्ष की बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा की मौजूदगी थी, लेकिन विपक्षी दलों की अंतिम बैठक से पार्टी गायब रही थी, जहां औपचारिक तौर पर सिन्हा के नाम का ऐलान किया गया था। राजस्थान के भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि राजस्थान में भी महाराष्ट्र की तरह खेला होगा। भाजपा नेताओं के बयानों से संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी आलाकमान की नज़रें राजस्थान पर है। राजस्थान में भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू हो सकता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी प्रदेश में महाराष्ट्र जैसे हालात होने के संकेत दे रहे हैं। प्रदेश के भाजपा नेताओं का कहना है कि गहलोत सरकार जुगाड़ से चल रही है, सरकार खुद गिर जाएगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक संघर्ष है, मंत्री विधायक एक साथ नहीं बैठते, ऐसे हालात में कुछ भी हो सकता है। चतुर्वेदी का कहना है कि राजस्थान कांग्रेस में चल रहा आंतरिक संघर्ष हमें मध्यावधि चुनाव की ओर ले जा रहा है। जिस तरह से भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे राज्य की सियासत का पारा गर्मा गया है। हालांकि सीएम गहलोत के करीबी जलप्रदाय मंत्री महेश जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए स्वतंत्र है, जनता एक बार फिर भाजपा को जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के विधायक के खरीद फरोख्त के प्रयास सफल नहीं होंगे और फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का कहना है कि गहलोत सरकार जुगाड़ के भरोसे है, जिसका टायर कब फट जाए पता नहीं। जुगाड़ की सरकार में न स्टेयरिंग का पता है और न इसमें हॉर्न बजता है। ये जुगाड़ वाली सरकार चलती नहीं, केवल खिसकती ही है। एक शौहर और 12 बेगम, किसी भी बीवी को पता नहीं कि पति पहले से शादीशुदा है। बिहार के पूर्णिया से ऐसा ही कुछ चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने शादी के मकसद से नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी शमशाद उर्फ मनोहर 6 साल से पुलिस से भाग रहा था। उससे पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। आरोपी ने बताया कि उसने अब तक 12 लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी की। खास बात यह है कि हर बार शादी से पहले वह लड़की को खुद को कुंवारा ही बताता था। गिरफ्तार आरोपी कोचाधामन थाना इलाके में अनारकली गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ अनगढ़ थाना क्षेत्र के बिजवार गाँव में एक नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज था। यह घटना 8 दिसंबर 2015 को हुई थी, जिसमें एक सप्ताह बाद पुलिस ने किशनगंज के LRP चौक के पास से अपहृत नाबालिग को बरामद किया था। केस की जांच कर रहे शंकर सुमन सौरभ ने बताया कि लड़की के पिता ने उसे नामजद आरोपी बनाया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। उसे बहादुरगंज थाना क्षेत्र के कोईडांगी गांव से छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी एक दर्जन शादियां कर चुका है। पुलिस ने उसकी 7 बीवियों से बातचीत की है। उन्होंने भी स्वीकार किया कि उन्हें झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया और फिर उससे शादी कर ली। किसी भी औरत को शादी से पहले नहीं पता था कि शमशाद शादीशुदा है। मामले में लगभग 6 साल बाद पुलिस को कामयाबी मिली है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। बिहार को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 2025 तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 520 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए उत्तर बिहार में सर्वे का काम शुरू हो गया है। दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 6 घंटे में पूरी हो सकेगी। यह एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरेगा। इससे सूबे में आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को NH-27 के समानांतर बनाया जा रहा है। बिहार और नेपाल के लोगों के लिए पूर्वोत्तर भारत से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड जाने में आसानी होगी। नेपाल की सीमा के पास बनने वाले इस एक्सप्रेसवे का सामरिक नजरिए से भी बड़ा महत्व है।
यह एक्सप्रेसवे आबादी वाले क्षेत्रों से नहीं गुजरेगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होने के चलते इसके आसपास और बीच में पेड़ पौधे होंगे, यानी कि वाहन चालकों को इस पर हरियाली नजर आएगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का सबसे ज़्यादा हिस्सा बिहार में है। सूबे में इसकी लंबाई 416.2 किलोमीटर होगी, जबकि यूपी में 84.4 और पश्चिम बंगाल में 18.97 किलोमीटर है। अन्य सड़कों के मुकाबले इसमें एंट्री पॉइंट कम होंगे, यानी कि एक बार एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद कोई प्रमुख शहर आने पर ही फिर से उतर पाएंगे। अन्य सड़कों के मुकाबले यह रोड सीधा होगा, ज़्यादा मुड़ाव नहीं होंगे। मुंबई हमलों में मुख्य हैंडलर साजिद मजीद मीर को पाकिस्तान की अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने विश्वविद्यालयों से सत्तू और लस्सी को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को प्रेरित करने के लिए कहा है, तो रूसी सेना डोनबास में तबाही मचा रही है। लेकिन एक वीडियो में ऐसा मंजर भी सामने आया है जब लुहानसक में एक रूसी एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च के बाद हवा में 180 डिग्री घूम गई और लगभग उसी जगह पर वापस टकरा गई जहाँ से उसे लॉन्च किया गया था। इस बीच ईरान की पुलिस ने दक्षिणी शहर शिराज में स्केटबोर्डिंग डे पर हिजाब न पहनने के कारण कई किशोरियों को गिरफ्तार किया है। तो उधर टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक बार फिर से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कही है। दुनिया भर की इन 5 खास और बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुंबई हमलों में मुख्य हैंडलर साजिद मजीद मीर को पाकिस्तान की अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई है। सज्जाद मीर के बारे में अब तक यह जानकारी थी कि उसकी मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने 2008 के मुंबई हमलों के मुख्य संचालक को आतंकी वित्त पोषण मामले में 15 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई है। लश्कर और जमात उद दावा से जुड़े आतंकी फंडिंग के केस देखने वाले एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी है। इस वकील के मुताबिक इस साल अप्रैल में गिरफ्तार किए जाने के बाद से मीरकोट लखपत जेल में बंद है। आतंकरोधी अदालत ने आतंकी साजिद मजीद मीर पर 4 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि इस मामले की सुनवाई कोट लखपत जेल में बंद कमरे में हुई, वहां मीडिया को जाने की इजाजत नहीं दी गई। इस बीच पाकिस्तान ने कथित तौर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बताया कि उसने साजिद मीर को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया है। आर्थिक विश्लेषक पाकिस्तान के इस कदम को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकालने की छटपटाहट का नतीजा मान रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 2008 में 26/11 के मुंबई हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लश्कर ए तैयबा के हथियारों से लैस आतंकवादियों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला किया था। इस आतंकी हमले में आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे समेत मुंबई पुलिस के कई आला अधिकारी अपनी जान गंवा बैठे थे। पाकिस्तान सरकार ने विश्वविद्यालयों से सत्तू और लस्सी को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को प्रेरित करने के लिए कहा है। पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने अब चाय के आयात पर खर्च में कटौती के लिए एक नया तरीका सुझाया है। पाकिस्तान उच्च शिक्षा आयोग का कहना है कि इस कदम से न केवल देश में रोजगार बढ़ेगा बल्कि देश में चल रहे आर्थिक संकट के बीच जनता के लिए आय भी पैदा होगी। उच्च शिक्षा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने पाकिस्तान के सामने आने वाले आर्थिक संकट का हवाला दिया और उनसे नेतृत्व की भूमिका निभाने और निम्न आय समूहों को राहत प्रदान करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचने को कहा। सुझाए गए उपायों में से एक में स्थानीय चाय बागानों को बढ़ावा देना और स्थानीय रूप से निर्मित और स्वस्थ पेय जैसे लस्सी और सत्तू का इस्तेमाल करना शामिल है। आयोग ने कहा कि इस कदम से इन पेय पदार्थों के निर्माण में आय की भागीदारी और रोजगार भी पैदा होगा। बता दें कि गंभीर आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में गैर जरूरी लग्जरी सामानों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के योजना मंत्री ने देश के लोगों से अपील की है कि वो चाय का सेवन कम कर दे, क्योंकि चाय खरीदने के लिए पाकिस्तान को पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का रिजर्व मुद्रा भंडार गंभीर तरीके से प्रभावित होता है। साथ ही पाकिस्तान में कार आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और सरकारी कर्मचारियों को अब हफ्ते में 2 दिनों की छुट्टी दी जा रही है ताकि पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो। यूक्रेन की राजधानी कीव से पीछे हट चुकी रूसी सेना अब डोनबास में तबाही मचा रही है, लेकिन 4 महीने के युद्ध में पुतिन के सैनिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में रूसी सेना अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम का निशाना बनती नजर आई। लुहांस्क में एक रूसी एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च के बाद हवा में 180 डिग्री घूम गई और लगभग उसी जगह पर वापस टकरा गई जहां उसे लॉन्च किया गया था। इस गड़बड़ी का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यूक्रेनी ड्रोन की हैकिंग से ऐसा हुआ है, हालांकि इसकी संभावना नहीं है। यह वीडियो अल्चेस्ट शहर के पास फिल्माया गया था जो सेवेरोडोनेट्स से करीब 55 मील दक्षिण में स्थित है और वर्तमान में जंग का केंद्र है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मिसाइल के टकराने से एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ चिंगारियां फैल जाती है।
जो माना जा रहा है कि इसके ईंधन में विस्फोट के कारण हुआ। दुर्घटना में रूसी सैनिकों और अलगाववादियों के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। ऐसा ही एक हादसा 2018 में सऊदी अरब में हुआ था। अमेरिकी पेट्रियाट एयर डिफेंस मिसाइल को यमन के हुती विद्रोहियों की बैलिस्टिक मिसाइल को नाकाम करने के लिए दागा गया था, लेकिन खराबी के चलते यह वापस मुड़ गई और उत्तर पूर्वी रियाद के आवासीय इलाके में टकरा गई थी। ईरान की पुलिस ने दक्षिणी शहर शिराज में स्केटबोर्डिंग डे पर हिजाब न पहनने के कारण कई किशोरियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कई लड़कियों ने स्पोर्ट इवेंट के अंत में धार्मिक मान्यताओं और कानूनी नियमों को तोड़ते हुए हिजाब उतार दिए। पुलिस ने कई आयोजकों को भी गिरफ्तार किया है। खबर के अनुसार इस आयोजन में दर्जनों किशोरों ने सख्त इस्लामिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कट्टरपंथी आक्रोशित हो उठे हैं। बता दें कि रूढ़िवादी देश ईरान में सभी महिलाओं और किशोरियों के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। धार्मिक और कानूनी नियमों का पालन किए बिना किसी स्पोर्ट्स या नॉन स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन करना सख्त मना है और आयोजकों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। शिराज के गवर्नर लोटफुल्ला शिबानी ने कहा कि इवेंट का आयोजन सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने के उद्देश्य से किया गया था। शिराज में 15 जुलाई को जुम्मे की नमाज के बाद हिजाब की पवित्रता के समर्थक शीर्षक से एक मार्च निकाला जाएगा। दरअसल ईरान में 1979 की क्रांति के बाद से लागू इस्लामिक लॉ के तहत महिलाओं को ऐसा हिजाब पहनना अनिवार्य है जो उनके बालों को छिपाते हुए सिर और गर्दन को ढके। ईरान के कट्टरपंथी इस तरह के आयोजन को इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ पश्चिम की सॉफ्ट वार मानते हैं। टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक बार फिर से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कही है। एलन मस्क ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की जन्म दर लगातार गिर रही है और अगर स्थिति नहीं सुधरी तो जापान जैसी स्थिति हो जाएगी। जापान में जन्म दर में कमी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से घटते जन्म दर और ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात कहता रहा हूँ। बता दें कि एलन मस्क की अलग अलग पत्नियों से 8 बच्चे हैं। पिछले साल जापान में जन्म दर में 6 लाख की कमी देखी गई। यह जापान के लिए चिंता का विषय है क्योंकि बड़ी संख्या में देश की आबादी वृद्ध होने की ओर बढ़ रही है। एलन मस्क ने मजाकिया अंदाज में कहा कि आपको क्या लगता है कि लोग कहाँ से आते हैं? क्या वे किसी जादुई बच्चों की फैक्ट्री से आते हैं या बच्चों को किसी दुकान से खरीद कर लाया जाता है? एलन मस्क ने कहा कि इंसानों की आबादी अच्छे से नहीं बढ़ रही है। जापान घटती आबादी का एक सूचक है। पिछले साल जापान ने 6 लाख लोग खोए। जापान के आंतरिक मामलों और संचार मंत्रालय के मुताबिक देश की जनसंख्या में लगातार 11वें वर्ष गिरावट देखने को मिली है। मस्क ने कहा कि चीन में भी ऐसी ही समस्या आएगी क्योंकि वहाँ के कानून ने कई साल तक परिवार बनने से रोका है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंसान की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आबादी कम हो रही है। जैसे जैसे लोग समृद्ध और कम धार्मिक हो रहे हैं, ऐसे में वह कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।